सुप्रभात प्रिय छात्रों, कक्षा 8 पाठ है हमारा 2 अपराजिता। तो आइए पढ़ते हैं हम अपना पाठ। पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। हिंदी की विख्यात लेखिका शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी में एक ऐसी विकलांग महिला का परिचय मिलता है जिसने अपने अद्भुत धैर्य यानी साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतरता साधना के बल पर अपने विकलांगता पर विजय प्राप्त कर ली है। विकट एवं विषम परिस्थितियों में अपराजित बनी रहने वाली इस महिला को जीवन गाथा निश्चय ही कठिनाइयों से जूझने और जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना करने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो आइए पढ़ते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता यानी ईश्वर हमें ऐसे विलक्षण यानी जिसके शरीर का कोई अंग ना हो ऐसे व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख स्वयं यानी खुद भी अपने आप जीवन की रिक्तता यानी कमी बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात यानी अचानक एकारण बिना वजह ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न यानी छीन कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता यानी ईश्वर को दोषी नहीं ठहराते हैं ना, हे ईश्वर ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। अब देखिए, मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी, अब यहाँ लेखिका अपनी बात बता रही है तो आइए सुनते हैं। मैंने अभी पिछले महीने की बात है, एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वे नतमस्तक यानी अपना मस्तक झुकाकर आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा है। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ ने उतरकर पिछली सीट से प्रौढ़ यानी बूढ़ी उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर यानी अंदर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी के सहारे कार से एक युवती ने अपने निर्जीव धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। फिर मैं नित्य समय पर उसका ये विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित हो जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए जा रही हो। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।